हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम गुंजन मल्होत्रा। पहली रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए ये है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए इंडस्ट्री में वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको जर्मनी में बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 8-9 महीने पहले जर्मन एम्बेसी ने इंडिया में APS का जो एक स्टेप है वो इनकॉर्पोरेट किया था, इम्प्लीमेंट किया था। तो इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बिफोर हैंड करानी पड़ती है, पर्टिकुलरली एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। जब आप जर्मन एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन करते हो उससे पहले आपका APS का जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आगे के स्टेप्स जो हैं वो नहीं हो पाते, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो APS से रिलेटेड आपको मैं एक ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि APS की एप्लीकेशन जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर लीजिए। रीज़न बीइंग, आज के दिन में APS की जो टाइमलाइन है वो थोड़ी बड़ी हुई है, 1.5 से लेकर 3 महीने तक का टाइम जो है वो लग रहा है। एवरेज टाइम की बात करें तो 3 मंथ्स के आसपास लग रहा है। नाउ इससे रिलेटेड मैं आपको एक और सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा। जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ने जा रहे हैं अगर आप उनकी टीम को रिक्वेस्ट करें तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, वो भी अपने तरफ से APS का जो VFS का जो डिपार्टमेंट है जो APS को कंट्रोल करता है उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका APS का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्पीड अप कर दें, और ऐसा जो आप करेंगे तो आपका आउटकम थोड़ा जल्दी आएगा एंड आपका टाइम जो है वो सेव होता है। थैंक्स अ लॉट। अगर आप भी जर्मनी या किसी और कंट्री में जाके फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम जो है वो आपको पूरी तरह से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगी, हर हिसाब से आपको हम लोग हेल्प करेंगे, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे अकोमोडेशन की बात हो, चाहे एप्लीकेशन की बात हो, चाहे वीज़ा सक्सेस रेशियो की बात हो। टीम सनशाइन इज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक्स अ लॉट।